हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसके लॉबी का अलार्म किस प्रकार से सेट करते हैं बताऊंगी फ्रेंड्स। मेरे पास है रियलमी का फोन है फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्लॉक ऐप ओपन करना है। क्लॉक ऐप ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर दिख रहा होगा प्लस का निशान, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे, जैसे कि मैं सेट करी 5 AM, इस तरीके से आप भी सेट करेंगे एंड देख सकते हैं। एंड मैंने रख दी 5 AM और इसके बाद आपको जैसे ये मिनट होता है ये और ये घंटे हावर होता है और ये AM और PM। एंड इसके बाद आप अलार्म नेम डाल सकते हैं, रिंगटोन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से रिंगटोन डाल सकते हैं। ऑन पे कोई साउंड होता है यहाँ से बजना शुरू होता है। अगर फाइल में सेट करना चाहिए कर सकते हैं, अगर फाइल में है तो आप कर सकते हैं। एंड जैसे कि मुझे ये पसंद है, सॉरी फ्रेंड्स ये पसंद है। एंड इसके बाद बैक कर देंगे, बैक करते हैं आपका जो है सेट हो जाता है। एंड उसके वाइब्रेशन और ऑफ हो जाते हैं, इस प्रकार से ऑन कर देंगे सभी को। एंड इसके बाद जो है और सबको सेट करने के बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना और आपको सेट हो जाता है। इसमें एक और बात बतानी थी, एंड कस्टम में क्लिक करते हैं रिपेड, यानी कि रिंगटोन कितने दिन का अलार्म सेट करके रखना चाहेंगे वो सेट कर सकते हैं। मैं एवरी डे कर रही हूँ। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म और सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जब सबको सेट हो जाता है राइट के निशान पर क्लिक कर देंगे और आपको सेफ हो जाते हैं, देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से अलार्म सेट करेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर फ्रेंड्स। तब तक के नमस्कार।